नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ में प्रभात। प्रभात, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात, आपकी शादी को लगभग 3-3.5 साल हो गए हैं और आपके मन में, मैंने जब आपसे पहले बात कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग पता चला कि आप बहुत डर रहे थे कि होटल में जाकर के, मतलब 12 घंटे का डिस्टेंस है, आप कैसे स्टे करेंगे होटल में जाएंगे तो गाजियाबाद में, और किस तरीके से आप शादी करें, बहुत डर रहे थे उस वक्त। क्या डर था आपके मन में? सर, रीजन ये था, एक तो सर फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था, कभी गया नहीं, ऊपर से सर लड़की के साथ था। एंड सर, आप जानते हैं कि होटल में लड़की के साथ जाओ तो किस तरीके से सर पुलिस रेड का डर रहता है, और बहुत सारी अदर दिक्कतें भी रहती है, तो उस वजह से मैं डरा हुआ था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे। फिर कैसे आपको हिम्मत आई? हिम्मत सर मेरे को ऐसी कि मैंने आपसे ही कर रहा था, तो मैंने आपके हेल्पलाइन नंबर पे सर फोन करा, तो उन्होंने मेरे को कुछ गाइडेंस दी और थोड़ा विश्वास दिलवाया कि आप डरिए मत, आप बेझिझक होके आइए, इन इन चीजों को, प्रोसीजर को फॉलो करिए, डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाए। तो सर थोड़ी हिम्मत आई मुझे, तो सर मैं फिर इसको तो एक्चुअल में जो आपको होटल को लेकर के इशू था, जब आप आए कोर्ट मैरिज करने के लिए, जिस रात को आपको रुकना था होटल में, आप जब होटल लेने के लिए गए तो कोई वास्तव में दिक्कत हुई थी आपको? सर वास्तव में तो सर मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मेरे को बताया गया था, मैंने पूरी उन चीजों को सर प्रोसीजर को पूरा फॉलो करा कि क्या क्या उसको देखना है, मुझे रिव्यूज पढ़े उनके, एंड देखा कि डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड सर लेके गया था, जो होटल वाले ने जो मुझसे डॉक्यूमेंट वो सर प्रॉपर उनको शो कर दिया, तो सर मुझे एक्चुअल में जो मतलब मेरे मन का जो डर था, जो मेरे डर वो एकदम खत्म सा हो गया। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि आमतौर से क्या होता है कि कई दर्शक आते हैं जो कि बहुत वैसे एरिया से आते हैं, थोड़ा सा दूर दराज से होते हैं, रूरल एरिया से होते हैं, तो ऐसे दर्शक ये देखते हैं कि कम पैसे में होटल मिल जाए और वहीं पे खतरे की घंटी होती है, क्योंकि आप जब कभी भी होटल लेने के लिए जाएं तो ये ध्यान में रखें कि जो कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा के रूम्स हों वो होटल आप लें। दूसरी बात ये है कि जो घर के जैसा दिखने में होटल हो, जिसमें आप एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही लग रहा हो जैसे किसी के घर में आ गए हो, ऐसे किसी होटल में ना जाएं। एक और जो हम लोग सलाह देते हैं कि होटल में जब आपको ठहरना हो तो आप कपल फ्रेंडली होटल देखें, आप वेबसाइट पे देखोगे होटल तो आपको मिल जाएगा कपल फ्रेंडली होटल, है ना, तो वो आपको देखना चाहिए। जब आप होटल में बुकिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो आप एक साथ सारे पेमेंट ना कर दें, मान लीजिए 3 दिन ठहरना हो तो 3 दिन के पेमेंट एक साथ ना करें, जिस रात को आप ठहर रहे हैं उस रात का पेमेंट पहले करें, अगले रात का अगले दिन पेमेंट करें। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, जो भी कपल इनका ध्यान रखेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, तो आपको भी नेचुरली आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, बिल्कुल। उसके बाद से तो आप लगातार होटल में ठहर रहे होंगे, शादी के बाद से अब तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप अपनी पत्नी के साथ ही ठहरते हैं या नहीं? उस टाइम पे तो सर मेरी वाइफ नहीं बनी थी, अब कोर्ट में तो वाइफ है सर, उस टाइम पे तो मेरी गर्लफ्रेंड कह लो सर थी। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज मुझे बताइए, आप आए, आप होटल में, आपने स्टे होटल को लेकर के टेंशन था, जो प्रोसीजर आपको बताया गया था कोर्ट मैरिज को लेकर के कि भाई आप आओगे सेम डे में आपका मैरिज हो जाएगा, वो सब कुछ जैसा बताया गया था वैसे हुआ? पहले क्या हुआ था ये बताइए। पहले तो सर जैसे कि प्रोसीजर बताया कि आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो पहले आपकी रिचुअल के हिसाब से शादी, रिचुअल के हिसाब से शादी हुई। उसके बाद सर हमारा फिर हम कोर्ट मैरिज में रजिस्ट्रेशन के लिए हम उनके पास गए, कोर्ट लेके गए, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ग्रेट। तो आपको टोटल टाइम कितना लगा था? सर टोटल टाइम हमें 4 घंटे लगे थे सर। एग्जैक्ट 4 घंटे लगे थे या थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ था? सर 4 घंटे के आसपास ही लगे थे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि डेफिनेटली 4 घंटे में कोर्ट मैरिज गाजियाबाद से हो सकता है, लेकिन आपका मैरिज बहुत स्मूथली हुआ होगा तभी 4 घंटे में हो जाता है, कई बार कुछ दिक्कत हो जाए तो 1 दिन का भी समय लग जाता है, तो इसलिए टाइम रिजर्व करके चलें, 1 दिन का तो लेके चले ही, और किसी को बहुत जल्दी हो तो एडवांस में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा लें, वो ज्यादा बेटर रहता है, है ना। अच्छा, अब आपकी शादी को 3-3.5 साल हो गए और उसके बावजूद लीड इंडिया ने आपको बुलाया तो आप आए और आकर के आप अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आप सामने से क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा रहे हैं? सर रीजन ये है ना कि मैं चाहता नहीं हूँ इस चीज को कि सामने कि से सामने से हो कि नॉर्मल सर वही रहे, वरना सामने में यह है ना कि अभी भी कुछ कह लो कि रिश्तेदारों में कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब मैं इस तरीके से सर सामने आ जाऊंगा तो सर कल को हमारी दिक्कत हो जाए, तो वो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक, यही वजह है। एक और चीज मुझे बताइए, तो अब क्या घर वाले पूरी तरह से आपकी वाइफ को, आपके घर वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके परिवार वाले, आपकी वाइफ के परिवार वाले आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं? मेरे घर वालों ने सर एक्सेप्ट कर लिया है,
बट ये है कि अभी मेरी वाइफ के वालों परिवार वालों ने सर अभी एक्सेप्ट नहीं करा है, तो वहाँ पर सर थोड़ी इशू है। ओके ओके, यही कारण है कि सर मैं कैमरे में नहीं देख के बात कर रहा हूँ। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपका लीड इंडिया से एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस मुझे अच्छा ही रहा, कोई इशू नहीं। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ी मदद की, मुझे मिली है। आगे भी अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप ही का नाम लूँ। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई कपल 2024 में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आगे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप अपने अनुभव से अगर उनको कोई टिप्स देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो क्या बताएंगे? सर अपने अनुभव से अगर मैं टिप्स की बात करूं तो यही बताना चाहूंगा कि आप कि देखें कि आपकी एज है क्या, परिवार वाले रेडी हैं कि नहीं है, नहीं रेडी हैं तो आपको क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। बाकी मतलब एज जरूर देखें, परिवार वाले से परिवार वालों से बात करें और चेक करें कि भाई मैं परिवार वाले तैयार हो जाएं। यस सर। और अगर ना तैयार हो, एज पूरी हो गई हो, तो क्या कोर्ट मैरिज करना सही है? बिल्कुल सर सही है। ऐसा नहीं होता है कि लव मैरिज में ज्यादा तलाक हो जाता है और बनती नहीं है? सर अब यही है ना कि अब जब राजी हैं तो आप कर लो। हाँ, अब वो कॉम्प्लिकेशन से सोचेंगे तो वो रहेगा तो किसी में भी आ सकती है, इन फ्यूचर आ सकती है, वो तो हम उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप राजी हो, आपकी एज पूरी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, और आप दोनों राजी हो तो आप कर लीजिए। ठीक है ठीक है। तो प्रभात जी थैंक यू सो मच, आप वीडियो में आए और आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।